समाज के सभी वर्गों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मिशन के साथ प्रसिद्ध शिवाय हॉस्पिटल की तरफ से राजधानी देहरादून स्थित होटल चटनी मेरी में 5 दिवसीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक विनोद चमोली द्वारा किया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा व विधायक विनोद चमोली ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुरुआत में गणेश वंदना की बहुत सुंदर प्रस्तुति दीक्षा एवं प्रार्थना देसाई द्वारा दी गई, जिसने मरीजों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। वहीं डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान ने इस शिविर को आयोजित करने का मूल विचार मुख्य रूप से रोगियों में जागरूकता फैलाना बताया है। एवीएन, गठिया, रीढ़ और पीठ दर्द आदि जैसी पुरानी बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के किया जा सकता है। कई रोगी सर्जरी को ही पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने का सर्जरी एकमात्र विकल्प मानते हैं, लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। अब तक हमने बिना किसी सर्जिकल प्रक्रिया के 2000 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भी इनसे इलाज लिया है और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस आयुर्वेदिक शिविर में करीब 500 मरीजों ने चिकित्सीय परामर्श लिया एवं आसपास क्षेत्रों से आए मरीजों ने भर्ती होकर अपना इलाज कराया और 90% से अधिक मरीजों को फायदा मिला और मरीजों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का विशन रोगियों को सर्जरी से बचाना है और इस प्रकार आयुर्वेद के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को बिना किसी दुष्प्रभाव से पुरानी जटिल जॉइंट्स एवं बीमारियों से उबरने में मदद करना है। आवाज़ इंडिया के लिए देहरादून से अनुज अवस्थी की रिपोर्ट।